डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा लेकर चलता हूँ आपको आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन की तरफ। हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है मध्यस्थम एवं सुलह 1996 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं। देखिए, इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले बात करेंगे हम अधिनियम के उद्देश्य के बारे में। देखिए, इस अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित करने के कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जिनमें से पहला उद्देश्य ये था कि विदेशी मध्यस्थम विदेशी पंचायतों को भारत में लागू करना और विदेशी मध्यस्थम पंचायतों को भारत में मान्यता देना, यानी कि भारत में इनको लागू करना और इन्हें मान्यता देना। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर दो के बारे में। जो देशी मध्यस्थम विधि है यानी कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन लॉ है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम विधि में शामिल करना, और यदि उसके लिए संशोधन की आवश्यकता है तो देशी माध्यम विधि में उसके अनुरूप संशोधन करना। और तीसरी बात यह है कि सुलह और उससे संबंधित विषयों को परिभाषित करना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि इसका उद्देश्य यह है कि अगर पक्षों को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या देशी स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, विवादों को मध्यस्थम के हिसाब से उनको शॉर्ट आउट कराना, और उन जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन लॉज हैं उनको हमारे कंट्री में शामिल करना, और अगर हमारे अकॉर्डिंगली उनमें ज़रूरत ऐसी महसूस होती है कि उसमें संशोधन भी किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने के अनुसार। ओके, अब बात करेंगे हम, भारत ने कई देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आदर्श विधि यानी कि इंटरनेशनल मॉडल लॉ को अपनाया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों को मध्यस्थम और सुलह के जरिए सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के व्यापारिक विधि पर आयोग द्वारा तैयार की गई थी, जिसके कारण भारत में मध्यस्थम तथा सुलह के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा शामिल हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, जो व्यापारिक मुद्दे हैं उनको निपटाने के लिए इस विधि ने बहुत अहम और महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाया है। तो दोस्तों, ये तो था इसका उद्देश्य। अब बात करेंगे जो मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के पारित होने के कुछ कारण रहे हैं, वो क्या कारण है। तो मैं बता दूं कि जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 है, इसके जो रीजन रहे हैं, पहला रीजन है इसका कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग ने इसे सन 1985 में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि यानी मॉडल लॉ को स्वीकार कर लिया था। कब स्वीकार किया था इसको? 1985 में। ठीक है, यानी कि इस मॉडल लॉ को 1985 में स्वीकार किया गया था सभी देशों के द्वारा। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि ने इसे वर्ष 1980 में सुलह नियमों को स्वीकार कर दिया, जबकि जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग है उसने इसको 1980 में ही इसको स्वीकार किया कर दिया गया था, इसके जो रूल्स है। और इसके अलावा जो व्यापार विधि को 1985 में स्वीकार किया गया था। तो दो चीजें बताई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन की, उसको 1985 में एक्सेप्ट किया गया था, और जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है इसको 1980 के अंदर इसके सुलह के नियमों को स्वीकार किया गया था। ठीक है, पहले मध्यस्थम के, बाद में सुलह की। अब बात करें पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने ऐसे मामलों में इन नियमों के प्रयोग की सिफारिश की थी जहां अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों के संदर्भ में विवाद उत्पन्न होता है और पक्षकारगण सुलह का सहारा लेकर उस विवाद के सौहार्दपूर्ण निपटारे की इच्छा करते हैं। बात नंबर नेक्स्ट, इस आदर्श विधि और नियमावली ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक संबंधों में उत्पन्न विवादों के निष्पक्ष और दक्षतापूर्ण निपटारे के लिए एकीकृत कानूनी ढांचे की स्थापना की। ठीक है, जो इन विवादों को निपटाने में महत्वपूर्ण जिसने योगदान दिया। अगली बात करते हैं, आदर्श विधि तथा सुलह नियमावली को ध्यान में रखकर मध्यस्थम तथा सुलह से संबंधित विधि को निर्मित करना समय की भी आवश्यकता थी। ठीक है, अप्रोच ऑफ द टाइम। अब अगले बारे में बात करेंगे, अगला पॉइंट है हमारा न्यायालय के अधिकार का संक्षिप्त और सटीक वर्णन। जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 है, इसने न्यायालय के अधिकार का एकदम सटीक वर्णन किया है। जैसे सेक्शन 42 में जहां न्यायिक हस्तक्षेप की नीति को निश्चित करते हुए जो सेक्शन 42 है,
ये कहता है कि न्यायिक हस्तक्षेप की नीति को निश्चित करते हुए जहां एक मध्यस्थम करार के लिए इस अधिनियम के पार्ट वन के अंतर्गत आवेदन न्यायालय में किया गया है, वहां मध्यस्थम कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार न्यायालय को होगा। ठीक है, अगर न्यायालय में एप्लीकेशन दी गई है तो वहां पे न्यायालय उसमें इंटरफेयर कर सकता है, और उसी न्यायालय को ये राइट होगा कि जिस न्यायालय में, जिस कोर्ट के अंदर में एप्लीकेशन दी गई है, जिस न्यायालय में आवेदन किया गया है, उसी को इसका अधिकार होगा, बाकी को इसका अधिकार नहीं होगा। और इस करार से उत्पन्न सभी पश्चातवर्ती आवेदनों को केवल कुछ न्यायालयों में ही पेश किया जाएगा, अन्य किसी न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। जबकि सेक्शन 27 क्लोज 1 के अंदर में बताया है कि मध्यस्थम न्यायाधिकरण या पक्षकार जो मध्यस्थम की पूर्व अनुमति से साक्ष्य लेने के लिए या साक्ष्य लेने के प्रयोजन से न्यायालय की सहायता ले सकते हैं, न्यायालय की हेल्प भी ले सकते हैं। यानी जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स हैं वो पक्षकारों के जो मध्यस्थम है उसके अनुमति के बिना, ठीक है, कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं साक्ष्य लेने के लिए। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। इसी में इस अधिनियम ने सुलह नामक एक नई धारणा को जन्म दिया है, ये पार्ट थर्ड में बताया गया है। पार्ट थर्ड हमने पार्ट वन में, जो हमारे पार्ट वन वीडियो, उसमें भी सही तरीके से बताया है। ठीक है, यानी कि जो सुलह है, सुलह के द्वारा पक्षों में सुलह कराई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। देखिए दोस्तों, धारा एक क्लोज एक के अनुसार सेक्शन 1 क्लोज 1 में ये अधिनियम मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 होगा, जबकि सेक्शन 1 क्लोज 2 यानी कि धारा एक क्लोज 2 में बताया है कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होगा, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में सीमित है। ये तीनों भाग जम्मू तथा कश्मीर राज्य में उसी सीमा तक लागू होंगे जहां तक इनका संबंध अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह से संबंधित है। ठीक है, सेक्शन 2 क्लोज 3 के अंदर में बताया है कि यह अधिनियम उस तिथि को लागू माना जाएगा जिस स्थिति को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार अपनी अधिसूचना में इस अधिनियम को लागू करने की तिथि घोषित करेगी। और ये अधिनियम वैसे संपूर्ण भारत में 22 अगस्त 1996 को लागू किया गया था, भारत के सभी भूभाग पर लागू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बचा था तो ये तभी से लागू माना जाएगा जब अपनी अधिसूचना में लागू करेगी और उसकी डेट घोषित करेगी कोई गवर्नमेंट। ठीक है, अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट के बारे में चलते हैं, यानी कि यह अधिनियम विस्तृत तथा स्पष्टीकरणात्मक संहिता है। देखिए, जैसे कि पुराने मध्यस्थम अधिनियम 1940 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ के बारे में कोई उपबंध था ही नहीं, जो वह विधि केवल घरेलू मध्यस्थम तक ही सीमित थी, जबकि 1996 का वह विधि, जो 1996 का मध्यस्थम अधिनियम है, वो अपने आप में एक संपूर्ण विस्तृत संहिता है, क्योंकि जो 1940 है, 1940 वाले में तो कोई ज्यादा डिटेल था ही नहीं, जबकि 1996 वाले में हर एक चीज को डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करेंगे, इस अधिनियम ने न्यायालयों की शक्ति को सीमित किया है। देखिए, सेक्शन 5 ये कहती है, सेक्शन 5 के अनुसार है कि विधि की अन्य शाखाओं के अंतर्गत अंतर्निहित प्रावधानों के रहते हुए इस अधिनियम के भाग 1 यानी पार्ट 1 में जो शासित विषय वस्तु पर जिसका संबंध मध्यस्थम से है, इस भाग के प्रावधानों के अलावा कोई न्यायिक अधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम 6 के अंदर में, इस अधिनियम में मध्यस्थता तथा पंचायत के लिए विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, जैसे कि सेक्शन 5 में है बताया गया है ये सारी चीजें, इसकी जो विस्तृत प्रक्रिया है, लॉन्ग डिटेल्स है। ठीक है, और जो धारा 18 है उसमें पक्षकारों को अपने मामले रखने के लिए समान और पूर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं। सेक्शन 18 में बराबर अक्षर अवसर प्रदान किए गए हैं, और यदि पक्षकार चाहे तो सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1908 की प्रक्रिया को अपनाते हुए या आपसी सहमति के आधार पर या स्वयं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, या तो सीपीसी को यूज कर सकते हैं या आपसी सहमति को यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है कि मध्यस्थों के अधिकारों में वृद्धि। सेक्शन 16 और 17, धारा 16 और 17 में बताया गया है कि जो मध्यस्थों के अधिकार है उनमें वृद्धि है। जैसे कि धारा 17 में एक पक्षकार के आवेदन करने पर विवाद की विषय वस्तु की सुरक्षा के लिए उपाय करने के लिए और उपाय करने के लिए अंतरिम आदेश मध्यस्थ दे सकता है, धारा 17 के अनुसार। ठीक है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक पक्षकार से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह विषय वस्तु की सुरक्षा के उपाय के संबंध में कोई जमानत दे, यानी कि जमानत के लिए वो एक्सपेक्टेशन कर सकता है। ठीक है मित्रों, तो इसमें हमने पढ़ा कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 का उद्देश्य क्या था, यानी कि इसकी विशेषताओं के अंदर में उद्देश्य क्या था और इसके पारित होने के कारण क्या थे और न्यायालयों का जो वर्णन है वो इसमें स्पष्ट रूप से किया गया है और इसी के अंदर में जो सुलह नामक एक कॉन्सेप्ट था, धारणा थी, उसको इसमें जन्म दिया गया है और इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ बताया गया है और इसमें जो प्रोसीजर है, किन किन प्रोसीजर के माध्यम से मैटर्स को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया था ये क्वेश्चन, के लिए अलग से वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया, 18 में नहीं आया, 17 में नहीं आया, तो इस बार इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चूंकि कोई भी टीचर हो, कोई भी प्रोफेसर हो, वो जो क्वेश्चंस का बनाता है वो काम करता है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, यानी कि उसके आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, और सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, ये पार्ट फाइनल है और इसके अलावा कुछ बचा नहीं है शेष, चूँकि बाकी जो फाइल है उसके अंदर में पूरी डिटेल में आपको बताया गया है। और अब मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार, और कोई हेल्प होगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और हाँ, एक है 43A बचा हुआ था हमारा, इसको हम डिफाइन करेंगे लाइव क्लास के अंदर में। ठीक है, अब नमस्कार, जय हिंद।